हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डिस्कवरी. दिस इज़ आर्या एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट यू हैव लर्न्ड फ्रॉम चैप्टर 3. ओके, तो हम लोग पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं और कीवर्ड्स और व्हाट यू हैव लर्न्ड को कंप्लीट नहीं करते, यहाँ तक हम क्वेश्चन आंसर को भी छोड़ देते हैं. तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. कीवर्ड्स और व्हाट यू हैव लर्न्ड जो दिया रहता है बुक में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि चैप्टर से दिया रहता है कि आपने पूरे चैप्टर में एक्चुअली सीखा क्या है. व्हाट यू हैव लर्न्ड में वो रहता है, कीवर्ड्स में जो मेजर वर्ड्स जिसकी डेफिनेशन आपको बोर्ड एग्जाम्स तक पूछे जा सकते हैं वो दिया रहता है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसे कंप्लीट करें. तो आज हम इसके व्हाट यू हैव लर्न्ड को कंप्लीट करेंगे और अगली बार हम इसके कीवर्ड्स को कंप्लीट करेंगे. तो व्हाट यू हैव लर्न्ड में 10 या 20 पॉइंट है, तो इसे आज हम कंप्लीट करते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक लाइक नेचुरल फाइबर्स आर मेड वेरी लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर. ओके, तो जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं या फिर जो प्लास्टिक होते हैं वो कोई नेचुरल फाइबर से बने होते हैं, वेरी लार्ज यूनिट, जिसे हम पॉलीमर कहते हैं. ओके, पॉलीमर आर मेड अप ऑफ मैनी स्मॉलर यूनिट. जो पॉलीमर होता है वो बहुत ही स्मॉलर यूनिट से बने होते हैं. वाइल नेचुरल फाइबर्स आर ऑप्टेंड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल. जहाँ तक कि जो नेचुरल फाइबर होता है वो प्लांट और एनिमल से ऑप्टेंड होता है. सिंथेटिक फाइबर आर ऑप्टेंड फ्रॉम केमिकल प्रोसेस ऑफ पेट्रोकेमिकल्स. तो जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो हम लोग केमिकल प्रोसेस या फिर पेट्रोकेमिकल नाम के प्रोसेस से ऑप्टेंड करते हैं, लाइक नेचुरल फाइबर. दीज फाइबर्स कैन ऑल्सो बी वूवन इनटू फैब्रिक्स. तो ये जो हमारा नेचुरल मैनमेड फाइबर होता है या फिर नेचुरल फाइबर होता है, इसे हम फैब्रिक में वूव कर सकते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स फाइंड यूज रेंजिंग फ्रॉम मेनी हाउस होल्ड आर्टिकल्स लाइक रोप, बकेट, फर्नीचर, कंटेनर एट्सेट्रा टू हाईली स्पेशलाइज्ड यूज इन एयरक्राफ्ट, शिप, स्पेसक्राफ्ट, हेल्थ केयर एट्सेट्रा. जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है हाउस होल्ड आर्टिकल्स को बनाने में, जैसे रोप्स, बकेट्स, फर्नीचर, कॉन्टेनर, हाईली स्पेशलाइज एयरक्राफ्ट, ये सब में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है. ओके, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ केमिकल्स यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स, दे आर कॉल्ड रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक. टाइप ऑफ केमिकल जो यूज होते हैं सिंथेटिक फाइबर को बनाने में, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2-3 सिंथेटिक फाइबर के नाम है, जैसा कि रेयन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इज इन देयर स्ट्रेंथ, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, नेचर ऑफ बर्निंग, कॉस्ट, ड्यूरेबिलिटी एट्सेट्रा. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से स्ट्रेंथ में, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी के मुकाबले में, बर्निंग वो नेचर ऑफ बर्निंग में, कॉस्ट यानी दाम में, ड्यूरेबिलिटी मीन्स जितना दिन वो चल सकते हैं इसके अकॉर्डिंग. टूडे लाइफ विदाउट प्लास्टिक कैन नॉट बी इमेजिन्ड, बट इट होम और आउटसाइड प्लास्टिक इज एवरीवेयर. आज हम लोग की जो जिंदगी है उसे हम प्लास्टिक के बिना इमेजिन कर ही नहीं सकते, बट इट होम और आउटसाइड प्लास्टिक इज एवरीवेयर, और हर जगह हमारे पास प्लास्टिक प्रेजेंट है. द वेस्ट क्रिएटेड बाय प्लास्टिक इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली. जो वेस्ट क्रिएट होता है प्लास्टिक से वो इन्वायरमेंट में फ्रेंडली नहीं होता, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है. ऑन बर्निंग जब हम इसे जलाते हैं, प्लास्टिक रिलीज पॉइजनस गैस, और ये पॉइजनस गैस रिलीज करता है कौन, प्लास्टिक. ऑन डंपिंग इन द ग्राउंड, अगर हम इसे दफना लें, दे मेक टेक ईयर्स टू डिग्रेड. अगर हम इसे दफना भी देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा, कम से कम 50 साल लेते हैं इसे डिग्रेड करने में. दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर नॉन डिग्रेडेबल नेचर, क्योंकि इनका नेचर ही नॉन डिग्रेडेबल है. ओके, वी नीड टू यूज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक इन सच अ मैनर दैट वी कैन इन्जॉय देयर गुड क्वालिटीज एंड एट द सेम टाइम मिनिमाइज द एनवायरमेंट हैजार्ड्स फ्रॉम द लिविंग कम्युनिटीज. ओके, हम यूज़ करते हैं सिंथेटिक फाइबर को एंड प्लास्टिक्स को ऐसे मैनर में कि हम इन्जॉय कर सकते हैं गुड क्वालिटीज़ एंड एट द सेम टाइम मिनिमाइज द एनवायरमेंट हैजार्ड्स ऑफ द लिविंग कम्युनिटीज़. ओके, तो हम मिलते हैं अगले कीवर्ड्स में. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था व्हाट यू हैव लर्न जो आज हम लोगों ने देखा है. अगले वीडियो में कीवर्ड्स देखेंगे, तो फिर क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करना है. तो तब तक के लिए थैंक यू. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.